एपिसोड 5 में हमने देखा कि गेराल्ट और येनिफर एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। येनिफर ने अपने बॉडी में जिन को कैद करने की कोशिश की थी, पर गेराल्ट ने ऐसा होने नहीं दिया, जिससे येनिफर की जान बच गई। वही प्रेजेंट सीन में डॉपलर मोज़ेक ने सीरी को अपने साथ लिया है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 6 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है रेयर स्पीशीज। एपिसोड की शुरुआत होती है जेस्कियर से, जिसके सामने दो लोग खड़े थे। उन दो लोगों ने गेराल्ट को एक मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजा था, पर गेराल्ट बहुत ज़्यादा समय लगा रहा था, जिसके वजह से वो दो लोग गेराल्ट का घोड़ा और उसके बाकी का सामान लेकर जा रहे थे। जेस्कियर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर वो दो लोग उसका कुछ नहीं सुनते और उसका सामान लेकर वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी वह एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसके साथ उसकी दो सेवक थी, जिसमें से एक सेवक एक आदमी को मार देती है जो गेराल्ट का सामान लेकर जा रहा था। ये देख के दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी वह गेराल्ट मॉन्स्टर को मारकर आता है और उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसकी हेल्प की थी। बूढ़े आदमी का नाम ब्रॉच होता है और उसके साथ हमेशा उसकी दो सेवक रहती है। ब्रॉच गेराल्ट को बताता है कि एक बड़े राजा ने ड्रैगन को मारने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम बनाई है। ब्रॉच उसे अपनी टीम में आने के लिए इन्वाइट करता है, क्योंकि ब्रॉच को पता था कि विचर ही एक ऐसा स्किल फाइटर है जो उन्हें ड्रैगन को पकड़ने में हेल्प कर सकता है। पहले तो गेराल्ट उसकी टीम में आने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी ड्रैगन को मारना नहीं चाहिए। ब्रॉच उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ बताता है कि ड्रैगन को मारने के लिए कितने टीम्स बने हुए हैं। पहली तो है बोनो की टीम, जो कि ड्रैगन को मारने में एक्सपर्ट्स है। दूसरी थी लुटेरों की टीम, जो कि पहली बार ड्रैगन को पकड़ने के मिशन में थी। तीसरी है ब्रॉच की टीम, जिसमें अगर गेराल्ट शामिल हो गया तो उनकी जीत पक्की है। जेस्कियर पूछता है कि चौथी टीम कौन सी है, और तभी वहाँ येनिफर आती है, जिसके साथ में एक वॉरियर था। चौथी टीम में येनिफर और एक वॉरियर था, जिसे एक बड़ा लॉर्ड बनना था, जिसके लिए वो ड्रैगन को पकड़ने निकला था। येनिफर को देख के गेराल्ट भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और ब्रॉच की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद सारे लोग बातें कर रहे थे कि कितने टाइप्स के ड्रैगन होते हैं। गेराल्ट बताता है कि सबसे नॉर्मल ग्रीन ड्रैगन होते हैं, पर सबसे रेयर गोल्डन ड्रैगन होते हैं। और गेराल्ट को लगता है कि गोल्डन ड्रैगन शायद कहानियों में ही होते हैं और असल में नहीं होते। इसके बाद ड्रैगन को पकड़ने का सफर शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में ही बौने लोग और लुटेरे लोगों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। गेराल्ट यहाँ येनिफर से बात करने जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि येनिफर यहाँ पर खुद के फायदे के लिए आई है। मेरे इस धरती पर कई दशकों से होने के बावजूद किसी विचर से सामना नहीं हुआ, और जब हुआ तो पीछा नहीं छूट रहा है। मैं कहूंगा कुछ अजीब जरूर है, पर विचर का दानवों से आखिरकार सामना हो ही जाता है। इसके बाद सारी टीम्स ड्रैगन को पकड़ने के लिए पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। ब्रॉच नोटिस करता है कि गेराल्ट बार बार येनिफर को देख रहा था। येनिफर एक वॉरियर के साथ आई थी, इसलिए गेराल्ट इसे देख कर जेलस फील कर रहा था। थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक जगह दिखती है, जिसे ड्रैगन ने जलाकर राख कर दिया था। गेराल्ट बताता है कि ड्रैगन कभी भी ह्यूमंस के नज़र में नहीं आते, इसलिए कभी भी वो कोई भी जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करते। ब्रॉच समझाता है कि शायद इस ड्रैगन को परेशान किया गया हो, जिसे बचने के लिए ड्रैगन ने ऐसी तबाही की हो। इसके बाद बीच सफर में उन्हें एक क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। गेराल्ट समझाता है कि ये बहुत ही कमज़ोर मॉन्स्टर है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। ये सुनने के बाद येनिफर के साथ जो वॉरियर था, वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, सिर्फ अपनी नकली वीरता बताने के लिए। येनिफर उसके पास जाती है और जानबूझकर उसकी केयर करने लगती है, ताकि गेराल्ट ये सब देखकर जेलस फील करे। थोड़ी देर में रात हो जाती है और सारे ग्रुप्स बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ वो लोग निल्फगार्ड के राज्य के बारे में बोलने लगते हैं, कि कैसे उसका राजा दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और एक एक करके सारे राज्य पर कब्जा कर रहा है। ब्रॉच बोलता है कि अगर निल्फगार्ड के पास सही मैजिशियन होती तो निल्फगार्ड राज्य ऐसी तबाही नहीं करता। ब्रॉच का इशारा येनिफर की तरफ था, जिसे निल्फगार्ड की मैजिशियन बनने का मौका मिला था, पर उसने किसी दूसरे राज्य को चुना। ब्रॉच को पता था कि अगर येनिफर निल्फगार्ड राज्य की मैजिशियन होती तो निल्फगार्ड बहुत ही शांति प्रिय राज्य रहता। इसके बाद सुबह होती है और तब हमें पता चलता है कि येनिफर के साथ जो वॉरियर था, उसको किसी ने मार दिया है। गेराल्ट को लग रहा था कि येनिफर ने उसे मारा होगा, पर येनिफर को लग रहा था कि गेराल्ट उसे पहले से ही जलता था, इसलिए गेराल्ट ने उसे मारा होगा। पर असलियत में येनिफर को उस वॉरियर का बुरा नहीं लग रहा था, उसे बस ड्रैगन्स के पार्ट्स को यूज़ करके फर्टाइल होना था, ताकि वो माँ बन सके। गेराल्ट उसे वापस समझाने लगता है
येनिफर की लाइफस्टाइल दूसरे लोगों से थोड़ी अलग है, इसलिए उसे मान नहीं बनना चाहिए। गेराल्ट के हिसाब से जो लोग ऐसे फाइटर्स या म्यूजिशियन होते हैं उन्हें बच्चे संभालने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए पहले ही उन्हें इनफर्टाइल किया जाता है। बातों ही बातों में गेराल्ट बताता है कि वो भी इनफर्टाइल है और उसे लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते एक बच्ची मिली है। इसके बाद सारे ग्रुप एक शॉर्टकट से जाने का डिसाइड करते हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस और रिस्की था और उसे पार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस रास्ते पे चलते वक्त ब्रॉच और उसकी दोनों सेवक वहाँ से गिर जाते हैं। ब्रॉच के मौत के बाद गेराल्ट को समझता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है और यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए गेराल्ट येनिफर से प्यार करता है। ये जाके येनिफर को बता देता है। दोनों फिर वहाँ वापस फिजिकल होते हैं और दूसरी सुबह अपने सफर पर निकल जाते हैं। येनिफर अपने जादू से बौने लोगों को पॉज कर देती है और खुद भाग के आगे चली जाती है। येनिफर को यहाँ एक गुफा दिखती है जिसके अंदर एक ग्रीन ड्रैगन अपने अंडे के सामने मरा हुआ था। सारे टीम्स इसी ड्रैगन को पकड़ने यहाँ आई थी पर यह ड्रैगन पहले ही मर गया था। तभी यहाँ एक गोल्डन ड्रैगन आता है जो ग्रीन ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहाँ पर गेराल्ट भी आता है जिसे पता चल जाता है कि ये गोल्डन ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि खुद ब्रॉच है। ब्रॉच जब नीचे गिरा तभी वो गोल्डन ड्रैगन में चेंज हो गया और अपने दोनों सेवकों को बचा लिया। ये ग्रीन ड्रैगन ब्रॉच की बीवी थी जो कि अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और उसमें ही वो इंजर्ड होकर मर गई। ब्रॉच को पता था कि गेराल्ट ड्रैगन को नहीं मारेगा बल्कि उसे बचाएगा, इसलिए ब्रॉच ने गेराल्ट को अपने टीम में बुलाया था। यही बातें चलते वक्त वहाँ पर लुटेरों की टीम आती है जो कि गोल्डन ड्रैगन को भी मारने वाली थी, पर येनिफर और गेराल्ट उनसे फाइट करने लगते हैं। फाइट के बाद ब्रॉच फिर से अपने ह्यूमन अवतार में आ जाता है। ब्रॉच येनिफर और गेराल्ट से बातें करता है और यहाँ पे येनिफर को पता चलता है कि गेराल्ट की लास्ट विश क्या थी। पिछले एपिसोड में गेराल्ट ने एक लास्ट विश मांगी थी जो हमें पता नहीं चली थी, पर अभी येनिफर समझती है कि गेराल्ट ने येनिफर के साथ रहने की विश मांगी थी। येनिफर इस चीज़ से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी गेराल्ट से प्यार करती है, पर अभी उसे ये फीलिंग भी नकली लगने लगती है। ब्रॉच एक ड्रैगन था इसीलिए उसके पास कुछ पावर्स थी जिसे वो बताता है कि येनिफर कभी भी माँ नहीं बन सकती और गेराल्ट कभी भी येनिफर के करीब नहीं आ सकता। येनिफर गुस्से से चली जाती है पर जाने से पहले वो गेराल्ट को टॉन्ट मारती है कि कैसे उसके पास भी एक लड़की है जिसका ध्यान रखने के बजाय गेराल्ट उसे नज़रअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ जेस्कर की आग देर से खुलती है इसलिए वो सबसे लेट उस जगह पर पहुंचता है। जेस्कर के आते ही गेराल्ट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सारी मुसीबतों की जड़ जेस्कर है। जेस्कर के वजह से ही गेराल्ट उस पार्टी में गया था और लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते उसे सीरी मिली। जेस्कर के वजह से ही गेराल्ट येनिफर से मिला और वो भी गेराल्ट का दिल तोड़ के चली गई। गेराल्ट जेस्कर को बहुत भला बुरा बोलता है और वापस उसे कभी ना मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद हम प्रेजेंट की कहानी को देखेंगे यानी कि सीरी की कहानी। हमें दिखता है कि डॉपलर मोज़ेक सीरी को जंगल के बाहर लेके जा रहा था। डॉपलर मोज़ेक का मिशन है कि सीरी को जंगल से बाहर निकाल कर निल्फगार्ड के लोगों के हवाले कर देना। सीरी और डारा दोनों मोज़ेक के साथ जंगल के बाहर जा रहे थे। सीरी मोज़ेक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगती है जैसे कि वो निल्फगार्ड के लोगों से कैसे बच गया और उसे सीरी का पता कैसे चला। मोज़ेक इन सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो सब जवाब जल्दी जल्दी दे रहा था। वहीं पीछे डारा को डाउट होता है कि ये असली मोज़ेक नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, पर डॉपलर मोज़ेक के पास रानी कैलेंदे का स्कार्फ होता है जिसे सीरी को ये मोज़ेक पर पूरा भरोसा था। थोड़ी दूर चलने पर सीरी और एक सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें याद है हम ठंड के मौसम में तुम्हारे गाँव जाते थे। डॉपलर मोज़ेक अब परेशान हो गया था और वो इस सवाल का जवाब भी हाँ में देता है। सीरी वैसे ही अलर्ट हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि असली मोज़ेक को ठंड पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी अपने गांव नहीं जाता था। डॉपलर या अपना नाटक छोड़ देता है और गुस्से से सीरी को बताने लगता है कि वो मोज़ेक नहीं है बल्कि उसने मोज़ेक का रूप लिया है। डारा अपने नाइफ से उस डॉपलर पर अटैक करता है जिसे डॉपलर अपने असली रूप में आ जाता है। डॉपलर की कमजोरी सिल्वर होती है यानी चांदी से वो डरता है। डारा के पास जो नाइफ थी वो भी सिल्वर से बनी थी जिससे डॉपलर कमज़ोर हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों बच्चे डॉपलर को पकड़कर उसे सवाल पूछने लगते हैं कि
कि निल्फगार्ड के लोग सीरी के पीछे क्यों पड़े हैं, पर मौका मिलते ही डॉपलर उन दोनों बच्चों को इंजर्ड करके वहां से भाग जाता है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें सीरी जंगल में भागती हुई दिखती है। तभी वह काहिर यानी निल्फगार्ड का वॉरियर आके सीरी को पकड़ लेता है। काहिर सीरी को पानी ऑफर करता है पर सीरी उसके लिए मना करती है। काहिर बताता है कि सीरी को डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि निल्फगार्ड के लोग भी सीरी को गेराल्ट से मिलने में उसकी हेल्प करेंगे। काहिर थोड़ी देर में समझता है कि जिस प्याले में उसने सीरी को पानी ऑफर किया था वो भी सिल्वर का था, इसलिए सीरी ने पानी पीने से मना कर दिया, जिसका मतलब ये है कि डॉपलर ने सीरी का रूप लिया है ताकि वो काहिर को मार सके। डॉपलर काहिर का भी रूप ले लेता है और उसे चिल्लाने लगता है क्योंकि सीरी के पास बहुत सारी शक्तिशाली पावर्स थी और ये बात काहिर ने डॉपलर को नहीं बताई थी, इसलिए डॉपलर ने सीरी को नहीं मारा और अब वो काहिर को मारने यहाँ पर आया है। यहाँ डॉपलर और काहिर में फाइट होती है जिसमें डॉपलर हार जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हमें असली सीरी दिखती है जिसे डॉपलर ने जंगल में बांध कर रखा था। उसकी हेल्प करने वापस उसका दोस्त डारा आता है और उसे खोल देता है। डारा सीरी को चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें ब्रोकिलॉन का जंगल नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बात पर डारा और सीरी का झगड़ा शुरू होता है। डारा का कहना था कि सीरी अपने नानी कैलेंथे की तरह हर जगह मौत लेके घूमती है। दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अभी से डारा और सीरी के रास्ते अलग हो जाते हैं। यहीं पर इस एपिसोड की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।